It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अन्वित का 2 जून को बर्थडे था और आप सब लोगों की बहुत सारी विशेज आई और थैंक यू सो मच अन्वित के लिए इतनी सारी विशेज भेजने के लिए। सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए और ज्योति जी हैं, उन्होंने अन्वित के लिए बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी और मतलब इतनी सारी विशेज जो मुझे यूट्यूब पर रिसीव हुई, तो रियली इस बार तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा था। थैंक यू सो मच। तो बस यहाँ पे मैं आपके साथ वही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं। एक्चुअली अन्वित को सोने में बहुत टाइम लग गया आज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाप गया था कि आज कुछ तो होने वाला है, तो बार बार वो उठ रहा था, बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया है। तो ये सब जो बलून्स हैं वो मीनवाइल सौरभ ने सब ब्लो कर दिए थे, क्योंकि मैं अन्वित को सुला रही थी ना, और फिर मैं आई तो मैंने सौरभ का हेल्प करना शुरू किया। तो ऐसे हम लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है वो रात में करनी शुरू की थी। तो इस बार हम लोगों ने अपना डेकोरेशन का जो प्लेस है वो चेंज किया, तो डिसाइड किया यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। और ये अन्वित का बर्थडे गिफ्ट है, तो ये अन्वित ने कल ही ओपन करा लिया था, उससे रुका नहीं जा रहा था। और यहाँ पे डेकोरेशन एक्चुअली करना शुरू किया और मैं आपको बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वॉलपेपर पे पूरी डेकोरेशन मैंने की और वो पूरी की पूरी बार बार गिर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि बस मैंने तो अपने गले में घंटी बांध ली ये वाली जगह डिसाइड करके। और जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी, मतलब एक समय ऐसा आ गया कि मतलब बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आ रहा था, बहुत मेहनत लगी। और मुझे रात में ही करना था क्योंकि मुझे सरप्राइजेज बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे अन्वित का रिएक्शन देखना था कि वो जब सुबह को उठे तो उसको कैसा फील होगा, वो कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको बलून्स डेकोरेशन पार्टी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और वो बहुत दिनों से बोल भी रहा था कि मतलब उसको क्या क्या चाहिए बर्थडे पे, तो सब वही मैंने कोशिश किया था करने का। लग तो यही रहा था कि कहीं वो अभी उठ के ही सब कुछ ना देख ले, क्योंकि वो आज बहुत बार उठा और मैंने जैसे कि आपको बताया कि पूरा उसने भाप ही लिया था। तो वॉलपेपर पे लगाना बहुत ज़्यादा टफ था। अगर आप लोग डेकोरेशन करें किसी भी चीज़ की, तो मेक श्योर करें कि वहाँ पर वॉलपेपर ना हो, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। सो मैंने ऐसी कुछ डेकोरेशन सोची थी, क्योंकि इसकी आप एक ग्लिम्स देख लीजिए, क्योंकि ये गिरने वाली है इसके बाद, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। और जो मैंने सोचा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन इस डेकोरेशन ने सच में बहुत ज़्यादा परेशान किया। और मैंने पूरे सब बलून्स लगाए थे कि वो जब रूम से उठेगा तो उसको कितना अच्छा फील होगा, क्योंकि मुझे सरप्राइजेज़ बहुत पसंद हैं और मेरी वजह से अगर किसी को खुशी मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हर किसी का दिन मैं स्पेशल बना दूँ। और ये जो किट थी ना, वो अच्छी किट थी, अगर आप चाहें तो आप मतलब ले सकते हैं, क्योंकि इससे ना डेकोरेशन में एक अलग ही मतलब ख़ास बात आ जाती है। डिज़ाइन चेंज करना पड़ रहा है पूरा, क्योंकि पता नहीं ब्लू डॉट स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर वॉलपेपर पे नहीं टिक रहे हैं। पूरा आधा घंटा हो गया मुझे इनको लगाते हुए, और ऐसे क्योंकि मैं लगाती हूँ गिर जा रहे हैं। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि इस स्पेस को ऐसे मतलब फिल कर देते हैं, क्योंकि क्या करेंगे अभी पूरा 1 बजने वाला है। ये देखो टाइम, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और अन्वित के सब गिफ्ट्स भी पैक करने थे, क्योंकि दिन भर फिर आज ऐसे टाइम भी नहीं लगा, और दिन में ये सब काम हम कर भी नहीं सकते थे, उसके सोने के बाद ही करना था। इसीलिए तो यहाँ पे फिर सौरभ ने बैठ के सभी गिफ्ट्स पैक किए, क्योंकि वो भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रखने थे उसके जो गिफ्ट्स थे, क्योंकि वो जब उठता और देखता तो उसको अच्छा लगता उसकी आँखों के सामने ये सब। तो बहुत ही अच्छे सब गिफ्ट्स लिए थे, और उसकी बुआ ने, मौसी ने, मामा ने, सब ने उसके लिए
गिफ्ट्स भेजे हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में, क्योंकि एक दो लोगों की रिक्वेस्ट है कि वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को अनवित के एक्टिविटी बॉक्सेस और अनवित के जो टॉयज़ हैं वो पसंद आते हैं। तो ये है हमारा अभी का लुक जो फाइनल हम लोगों ने किया है। अब आई डोंट नो कि इसका कल सुबह क्या हाल होने वाला है, लेकिन मैंने बहुत ही मन से हम लोगों ने किया है कि अनवित को बहुत ही अच्छा फील हो। हैप्पी बर्थडे अनवित। यहाँ के सारे बलून फट गए। ये रे डेकोरेशन। रात को 1 बजे लग के मेहनत की, पूरी डेकोरेशन गिर गई। भगवान जी को थैंक यू तो बोलो। सो मैंने तो डेकोरेशन का कंप्लीट प्लेस ही चेंज कर दिया, हालांकि यहाँ से भी ये गिरते रहे, लेकिन ये एटलीस्ट यहाँ से बेटर थे। और बस अनवित तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसको बलून्स ही बहुत सारे मिल गए। और ये है बेडशीट जो कि मैंने न्यू ली है अनवित के लिए, और उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा एनिमल प्रिंट है और अनवित बहुत खुश हुआ। अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो अनवित का मैं गिफ्ट ओपन करा रही थी एक, जो उसने पिकअप किया था, तो उसकी ये ड्रेसेस थी। तो आज पूरा दिन उसको न्यू पहनाने वाली हूँ, बुआ का, मौसी का, हमारा, तो उसको मैं चूज़ करा रही थी। पहनेगा अनवित ये वाली, पहनेगा ये वाली, पहनेगा ये तो नाइट सूट है ना, ये तो रात में पहनना, ये बर्थडे, ये इवनिंग में पहनना केक कटिंग के टाइम पे। अब बताओ, अब इनमें से बताओ क्या पहनेगा। दिस वन, नोट दिस वन, बुआ वाला, ये वाला, ये मौसी वाला नाइट सूट है, रात में पहनना। सो फाइनली अभी हम सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए हैं, और अनवित की रिक्वेस्ट पर आज यहाँ पे बनने वाला है उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट, आलू और पूरी। मेरा ही बेटा है तो उसको भी यही पसंद है। कल उसको मैंने, वो एक्चुअली कई दिन पहले मैंने उसको पूछा था कि क्या खाना है बर्थडे पर, तो उसने आलू पूरी बोला था। कल भी मैंने उसको चॉइस दी थी, मम्मी ने ढोकले के लिए मतलब ये तैयारी करके रखी थी दही वगैरह के लिए, उन्होंने पूछा था कि ढोकला बन जाएगा, लेकिन अनवित की फरमाइश थी कि उसको आलू पूरी ही खानी है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चे ने फरमाइश की है तो वो पूरी ही करेंगे, और इस बहाने फिर हम लोग भी खाएंगे क्योंकि हमें भी सब लोगों को पसंद ही है। तो यहाँ पे दाल का आटा मम्मी लगा रही थी, इधर मैंने जो सूखे वाले आलू है ना, फ्राइड आलू, वो सब फ्राई करने शुरू कर दिए। और आलू के साथ ना ये पूरी के साथ ये फ्राइड आलू होते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। गुलाब जामुन भी उसकी फरमाइश पे बने हैं, कल मम्मी ने मतलब बना ही दिए थे, आप लोगों ने क्लिप्स देखी होंगी। तो कुछ काम हम लोगों ने एक दिन पहले ही करके रख लिए थे, क्योंकि फिर मतलब एक दिन में सब कुछ हो नहीं पाता, वो थकान भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ के अंदर ग्रीन चिलीज़ कट कर ली थी, और ऑयल के अंदर मैंने जो बेसिक मसाले हैं वो सब ऐड किए हैं, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर, सौंठ पाउडर, थोड़ा सा ये सौंफ पाउडर ऐड किया है, और गरम मसाला ऐड किया है, और पोटैटोज़ को डाल के इनको बहुत अच्छे से मैंने फ्राई किया है। इनको आप जितना अच्छे से फ्राई करेंगे ना, इनका जो टेस्ट है वो उतना ही अच्छा एनहांस होगा। और पूरी के साथ तो ये आलू का कहना ही क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। Getting ready? दूल्हा बन गया रे, घोड़ी चढ़ गया बरकूदार, दूल्हा बन गया रे। तो भगवान जी का भोग भी लगा दिया है, और पूरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है। तो बस मैं अभी पूरी उतारना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले पापा जी और अनवित को ही मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगी, क्योंकि अनवित अभी भूखा है, और पापा जी फिर खाते हैं तो अनवित को भी ब्रेकफास्ट करा देते हैं, तो मतलब मेरा काम ऐसे हल्का हो जाता है। तो ये देखिए, फुली फुली दाल की पूरी, और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट लगता है ये। आप लोग बताइएगा किस किस को आलू पूरी खाना पसंद है, मेरा तो ये वन ऑफ फेवरेट ब्रेकफास्ट है, और मतलब एवरीडे ही खिला दो, लेकिन सेहत अलाउ नहीं करती है एवरीडे खाने का। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आलू पूरी खा रहे थे, और ये है फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट, और मैं अभी इंजॉय करूँगी। फाइनली
फाइनली अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग अभी फ्री हुए हैं और अनविच के बर्थडे पे हम लोगों ने भी फुल ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, फुल कैलोरी वाला बच्चे का बर्थडे, लेकिन मजे हमारे भी आ रहे हैं। गुलाब जामुन वगैरह सब खा के आ रही हूँ और ये है अनविच का एक और गिफ्ट जो कि मैं अभी ओपन करने वाली हूँ, कल ही रिसीव हुआ है ये और ओपन करके देखती हूँ उसमें क्या है। तो इस पर हम दोनों बैठ के अभी मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। और जब मैंने शॉपिंग हॉल दिखाया था ना उसमें दो तीन लोगों के मैसेज थे कि मैं अनविच के जो भी गिफ्ट्स हैं उनका अलग से वीडियो बनाओ और आपके साथ शेयर करूँ। तो आज तो क्या ना गिफ्ट मैं ऐसे दिखाने पड़ूंगी क्योंकि टाइम भी ऐसे ही और कौन सा गिफ्ट किस टाइम पे ओपन हो रहा है थोड़ा सा ये है। तो कोशिश करूंगी अपकमिंग ब्लॉग में, हाँ दिखाओ दिखाओ, तो आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे फन बॉक्स लिए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिए हैं और रात को मैंने आपको स्कूटर दिखाई दिया था जो इसके लिए हम लोगों ने लिया है। और सब लोगों को थैंक यू सो मच क्योंकि आज तक बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं अनविच की ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी मैं अपना ये वाला जो अनविच का बॉक्स है ना ये ओपन करती हूँ और इसमें देखती हूँ क्या क्या है। और ये ना एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उन्होंने अपने बेटे के लिए लिया था ये, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अभी नहीं बेटा सीजर दो, सीजर दो, तो अभी मैं देखती हूँ कि कैसा है। अनविच की कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी आती है ना अनविच से जाना मुझे एक्साइटमेंट होता है, मुझे भागना पड़ेगा। तो अभी लंच वगैरह हो गया है और लंच आज का हम लोगों का एकदम सिंपल था क्योंकि मॉर्निंग में भी हैवी हुआ और इवनिंग में भी आज कुछ स्पेशल ही होगा। और मैं यहाँ पे ये एक डेकोरेशन का पार्ट था जो मैंने आपको बताया था ना, बलून स्टैंड मंगाया है वही मैं लगा रही हूँ। और क्योंकि अनविता सुबह से बहुत परेशान है, उसके जो बलून है वो बस्ट हो रहे हैं और वो परेशान हो रहा है, तो उसको खुश करने के लिए मैंने कहा कि ये लगा देती हूँ। वो यहीं बैठा था और मुझे उठा के दे रहा था और ये बहुत अच्छा लगा डेकोरेशन का, ये मतलब इसने तो चार चांद ही लगा दिए क्योंकि इसको लगाने के बाद ना डेकोरेशन बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बस ये सब करने के बाद केक भी पिकअप करने के लिए जाना है क्योंकि उसके लिए मैंने फिफ्थ बर्थडे का एक स्पेशल केक बनवाया है, उसको पिनाटा केक कट करना था और मैंने वो अपनी फ्रेंड से ऑर्डर देके बनवाया है। उन्होंने रियली बहुत अच्छा केक बनाया है, आप देखेगा जब आएगा। और बस मैं ये काम करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली ये है डेकोरेशन जो कि शाम तक बचे रही और टिके रही। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लगी आप लोगों को ये वाली डेकोरेशन, और बहुत मन से मैंने की है, हालांकि जो सोचा था वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा कि ये जो डेकोरेशन है आपको वो कैसी लगी। आप लोगों से जो मुलाकात हो रही है वो हो रही है इवनिंग में और अभी हम लोग पार्टी के लिए रेडी हैं। केक भी आ गया है और इधर सब डेकोरेशन है ना जो इधर मैंने लगाई थी पूरी वो तो पूरी गिर गई थी, फिर जो पूरी डेकोरेशन है ना वो यहाँ पे मतलब चेंज कर दी है और अभी हम सब लोग एकदम रेडी हैं। मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से बात कर लूँ और फिर आगे का जो केक कटिंग वाला प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। केक नाटा केक मंगाया है अनविच की डिमांड पे क्योंकि अनविच को हैमर वाला केक चाहिए था, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ केक और हम लोग अपना सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। और आज अनविच की रिक्वेस्ट पे मैंने साड़ी भी पहनी है क्योंकि वो आज बोल रहा था मम्मी साड़ी नेकलेस आजकल उसको बहुत शौक लग गया है, पता नहीं क्या 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 बोलता है, तो इसलिए मैंने आज अपनी ये वाली साड़ी पहनी है। फर्स्ट टाइम पहनी है अपनी एक कलमकारी साड़ी और मुझे कलमकारी प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है। बताइएगा आप लोग की कैसे लगी आप लोगों को मेरी ये वाली साड़ी। रिसेंटली मैंने इसको तैयार कराया था लॉकडाउन से पहले और ये देखिए आज मेरे काम आ भी गई। सरप्राइजेस मत मान लेकर, हाँ करो। हैप्पी बर्थडे
छोड़ दो माँ, इट्स योर बर्थडे, वेट 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 वेट, हैप्पी बर्थडे, इट्स अ ग्रेट डे, दैट्स व्हाट वी से, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू. God bless you. Happy birthday to you. कार का उसकी कार? मेरी कार. मेरी कार. ओह कार्तिक. तो फाइनली ऐसा था आज का सेलिब्रेशन. अच्छा तो लगता कि अगर फ्रेंड्स फैमिली सब लोग आते, क्योंकि अनवित के 5th बर्थडे का भी बहुत दिनों से चाव था, शौक था कि सब लोग आएंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन सब लोगों के बीच में तो मतलब नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों ने अपना मतलब एज अ फैमिली ही किया. और बड़ा मतलब दुख भी होता है कि कैसा टाइम है कि कोई आ भी नहीं सकता और अकेले अकेले बस जो बनाओ वो खा लो, किसी को खिलाओ भी नहीं. हालाँकि बस जो दीदी आई थी सुबह, उनको तो हम लोगों ने खाना वाना खिलाया था, क्योंकि वही एक हमारी फैमिली का ऐसा हिस्सा है जिनको हम खिला देते हैं और हम लोग मतलब सेलिब्रेशन टाइप थोड़ा फील कर लेते हैं. और आप लोग मुझे ये भी समझाते हो कि इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग स्वस्थ हैं, अपने घर पे सेफ हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो बस मैं वही कुछ चीज़ें अपने मन में रख लेती हूँ. लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मुझे सेलिब्रेशंस का बहुत ज़्यादा शौक़ है और चार लोगों से मिलो, बातें करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है. तो बस यहाँ पे कैसे रहा. और आज का जो डिनर है वो सौरभ ने बोला था कि बाहर से ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग बाहर का फूड खाने वाले थे. तो बस सौरभ ने पिनाटा के अंदर मैंगो केक था, पास में रेस्टोरेंट है वहाँ से खाना ऑर्डर किया था. उनका खाना बहुत अच्छा था, डिलीशियस था. और आफ्टर लॉन्ग टाइम बाहर का खाना खा के मज़ा भी आया, क्योंकि अपने हाथ का खाना खा खा के बोर भी हो गए हैं. तो बस ऐसा था हम लोगों का सेलिब्रेशन. और आप ऐसे ही अनवित के ऊपर अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो बनाए रखिए, क्योंकि हम लोगों को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने जो अपडेट्स हैं वो सब डालते रहती हूँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ. तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ. तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल. टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर.